इन राजस्थान डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स, जो जो कोशिश कर सकते थे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, पूरे देश भर के नेता भाजपा के, उन्हें खूब ताकत लगा ली, लेकिन राजस्थान की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है। हमें लगता है कि ये आत्मचिंतन का विषय है भाजपा के लिए कि जिन 3 स्टेट्सों में आपकी सरकार थी और 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भाजपा को लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट किया है। मत भूलेगा कि 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं, इसलिए जरूरी है कि सारी लाइक माइंडेड पार्टीज, अभी कल ही 21 पार्टीज की मीटिंग दिल्ली में हुई जिसमें राहुल गांधी जी गए थे, तमाम नेताओं ने एकजुटता से काम करने की बात रखी है। तो धीरे धीरे देश में जो माहौल बन रहा है वो भाजपा के खिलाफ बन रहा है और यूपीए के साथ जो अनेक दल जुड़ते चले जा रहे हैं वो आने वाले समय का संकेत हमको कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। द बीजेपी विद ऑल इट्स माइट एंड ऑल इट्स फायरिंग पावर ट्राइड देयर बेस्ट इन राजस्थान टू टर्न द पीपल्स विशेस, टू गाइड पीपल इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन बाय रेजिंग वेरी नॉन पोलिटिकल इशूज, रिलीजियस इशूज, आस्किंग फॉर वोट्स इन नेम ऑफ रिलीजन इज समथिंग पीपल हैव रिजेक्टेड आउटराइट। देयरफॉर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हैव सेट द टोन ऑफ हाउ द एंटी बीजेपी वेव इज स्वीपिंग अक्रॉस इंडिया। वसुंधरा जी के कार्यकाल से तो लोग परेशान थे ही, लेकिन जो भाजपा की नकारात्मक राजनीति है उसके खिलाफ लोगों ने मुखर होकर यहाँ मतदान किया है और 3 प्रदेशों में जो बदलाव की लहर है उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे और कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकारें बनाएंगी 3 राज्यों में।